दोस्तों क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने क्या कहा है? आखिर उनका रिएक्शन क्या है कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर? ट्वीट किया उन्होंने, काफी चीजें लिखी हैं। क्या कुछ लिखा है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उद्धव ठाकरे, तुमने मेरी बेटी कंगना का ऑफिस नहीं बल्कि अपने पिता स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा पर घाव किया है। एक और ट्वीट उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि बीएमसी के गुंडों ने हमारे घर में स्थित राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। उद्धव अब पूरी तरह गुंडई पर उतर आए हैं। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में उद्धव के गुंडों ने कंगना का घर ऑफिस तोड़ना शुरू कर दिया। श्री राम जी का अपमान बर्बाद कर देगा उद्धव। साथ ही साथ बॉलीवुड के बच्चन, अमिताभ बच्चन, बिग बी जिन्हें कहते हैं, उन पर भी निशाना आशा राउत ने लगाया है। उन्होंने कहा है, लिखा है, सुना था मुंबई में एक मर्द तांगे वाला रहता है जिसे लोग महानायक कहा करते हैं। आज एक बेटी कंगना रनौत के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तब वो महानायक कहां छुपा हुआ है? क्या एक महिला के साथ खड़े होने की ताकत नहीं है उसमें? बहुत ही तेज तर्रार बातें आशा राउत ने अपने ट्वीट के माध्यम से की है, जहां पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भी अपने घेरे में लिया है और ब्रहन मुंबई महानगर बीएमसी को भी घेरे में लिया है। हालांकि मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं खुद और हमारा चैनल फीफा फूज आशा रनौत के इस ट्विटर को आधिकारिक रूप से सही है ऐसा नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं कि आशा राउत के नाम से चल रहा ये ट्विटर अकाउंट जो है वो कंगना रनौत की मां का ही है। आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।